चलें फिर क्या करना है, कॉल लेंगे, चलना है सर, चलना है, चलना है, चलो जोश है पूरा बिल्कुल सर, तुम्हारे ऊपर है, तुम जो कॉल लोगे, देखो मैं तो सुबह 4 बजे ना लिया था, तुम्हारे साथ तुम्हारी राइड है, तुम कॉल लो, चलना ओके यस, अभी अगर चलना है तो चलते हैं, ठीक है, मुझे 15-20 मिनट चाहिए बिकॉज मुझे वो रिजॉर्ट वाले को फाइनल ओके करना है कि हम चल रहे हैं और रास्ते में जो लोग हैं उनको भी बोलना है, कुछ पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है राइड को देखते हुए, आज अभी सड़क पे पानी दिखेगा वो खड्डे नहीं दिखेंगे, ठीक है, और अचानक कोई बड़ा खड्डा आएगा तो वो बहुत रिस्की है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज हम एक पर्टिकुलर स्पीड के ऊपर नहीं जा सकते बिकॉज आज वो बिल्कुल रिस्क मत लेना, एनीथिंग कैन हैपन, क्लियर है ये बात, कोई शख्स वाला है तो बताओ, बहुत सेफ वाला, बहुत सेफ, आज गाड़ी बहुत सेफ चलानी है, चाहे हम 2.5 घंटे वाली राइड 4 घंटे में कवर करें बट आराम से करें बेटर, और अगर एक भी प्रॉब्लम रास्ते में किसी को आ गई या किसी ने भी गलती कर दी तो सारा ग्रुप हैंड अप हो जाएगा, ठीक है, मैं सबसे आगे रहूँगा, मुझे कोई ओवरटेक नहीं करेगा, चाहे मैं 20 की स्पीड पे चलूँ चाहे मैं 60 पे चलूँ, मुझे कोई ओवरटेक नहीं करेगा, सबसे लास्ट में हमारी एक सर्विस ऑन व्हील व्हीकल जो हमारी मैकेनिकल बैकअप है सबसे लास्ट में वो रहेगी, अगर वो मोटरसाइकिल मेरे पास आ गई तो मैं लेके चलूँगा कि नहीं इसके पीछे कोई नहीं, हाँ जी क्लियर, जो लास्ट में मैकेनिकल मोटरसाइकिल है हमारी जो टेक्नीशियन वाली मोटरसाइकिल होगी सर्विस ऑन व्हील, अगर वो गाड़ी आ गई मेरे पास दैट मीन उसके पीछे कोई नहीं है, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे पहले टोल में और दूसरा ब्रेक लेंगे दूसरा वो हिमाचल वाले टोल में, जो पहला टोल वो आता है पंचकूले वाला, जो भी है उस रोड पिंजोर वाला रोड जो टोल है वाके उसको क्रॉस करके हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे जस्ट टू मेक श्योर कि सब लोग आ गए, ठीक है, अभी आ गया रास्ता, हम यहाँ से जीरकपुर गए, जीरकपुर से हम राइट मुड़े, वो वाला हाईवे ब्रिज उतरते चढ़ते उतरते हम धर्मपुर पहुँचेंगे, धर्मपुर जब पहुँच जाएंगे उसके 2-3 किलोमीटर बाद ही कुमार हट्टी आता है, धर्मपुर के 2-3 किलोमीटर के बाद कुमार हट्टी है, एक ब्रिज है जो शिंदा को जा रहा है, हमने वो ब्रिज नहीं लेना है, हमने कुमार हट्टी की तरफ से नीचे से नाहन रोड लेनी, जो हमने नाहन वाली रोड है तो वह लिखा हुआ है कुमार हट्टी लेफ्ट शिमला स्ट्रेट, वो ब्रिज चढ़ोगे तो शिमला की तरफ जाओगे, नीचे से हमने राइट लेना ब्रिज रोड लेना, राइट लेके हम नाहन रोड पे चलते रहेंगे घूमते रहेंगे, बड़ी अच्छी रोड है वो, तब तक चलते रहेंगे जब तक राइट साइड पे एक गुरुद्वारा साहब आते हैं, बहुत लंबी वाइट वॉल है, बहुत लंबी राइट, उस वॉल से हम राइट मुड़ेंगे, राइट मुड़ के 250 मीटर के बाद लेफ्ट पे बोर्ड होगा काजिया रिजॉर्ट्स, वहाँ से हम लेफ्ट मुड़ेंगे 250 मीटर के बाद और लेफ्ट जाके 2 किलोमीटर के बाद आपको काशिया रिजॉर्ट मिलेगा राइट, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, हम कुमार हट्टी से राइट जो डाइवर्जन है शिमला और हाँ हम वहाँ पे हम वही कहने लगा था हम वहाँ भी रुकेंगे सो दैट वहाँ पे भी रीयूनाइट हो जाएंगे ताकि किसी की गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ जाए कुछ आ जाए लास्ट में सर्विस ऑन व्हील्स है टेक्नीशियन है उसमें हमारे पास तो आप आराम से बेचक गाड़ी चलाइए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मौसम ख़राब है रिस्की वेदर है रिस्की राइड है तो आराम से चलना हमें कोई जल्दी नहीं जब इंजॉय द वेदर, ठीक है, वहाँ जाएंगे वहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद अगली ब्रीफिंग में वहाँ जाएंगे, क्लियर है, मौसम बहुत अच्छा है खड्डे नहीं दिखेंगे बारिश में पानी भरा होगा आराम से चलना स्लो है इसके रूट ये वाला फॉलो कीजिएगा रूट और भी है और ये रूट बताया खाली यही फॉलो करना है हाँ कोई रास्ता चेंज मत करना इसी रास्ते पर रास्ते और भी जाते हैं ये रूट ठीक है क्लियर है अपने राइडिंग गियर वगैरह सब शूज़ वगैरह सब चेक कर लो मैं अगले 20 मिनट में यहाँ से निकलूँगा
पंद्रह बीस मिनट जो मैं दे रहा हूँ, फिर वार्म अप हो जाओ, अपनी जैकेट वैकेट पहन लो, सब कर लो और फिर चलो। ठीक है,